breaking news. महाशिवरात्रि पर अलकनाथ मंदिर पर भक्तों ने किया जलाभिषेक। भूपेश्वर नाथ मंदिर में हुआ दीपदान। पहुंचे एडीजी अविनाश चंद्र। बरेली महाशिवरात्रि के मौके पर नाथ नगरी बरेली शहर में जलाभिषेक और भक्तों की पूजा अर्चना लिए शहर के नाथ मंदिरों को सजाया गया है। आज सुबह से ही मंदिरों में शिवालयों में भगवान भोलेनाथ के जयकारों और बम बम भोले उद्घोष से गूंज रहे हैं। गंगाजल लेकर आने वाले कांवरियों लिए नाथ मंदिरों में खास तैयारियां हैं। वही अलकनाथ मंदिर प्रबंधकों द्वारा कांवरियों के लिए विशेष व्यवस्था की है। साथ ही पुलिस प्रशासन ने शहर को अति संवेदनशील मानते हुए फोर्स भी तैनात किया है। शहर में लोगों को सुरक्षा का आभास करने के लिए बीते दिन फ्लैग मार्च भी किया गया है। आपको बता दें कि बरेली शहर की पहचान देश भर में नाथ नगरी के रूप में है। इस शहर में अलकनाथ, बनखंडी नाथ, टिबरीनाथ, तपेश्वर नाथ, धूपेश्वर नाथ, पशुपति नाथ मंदिर है। सभी मंदिरों की अपनी मान्यता है। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से भक्त भोले के दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन अलकनाथ मंदिर में भक्तों के पहुंचने वालों की संख्या ज्यादा है। यहां पहुंचने वाले श्रद्धालु का कहना है कि यहां आने से उनकी सभी मनोकामना पूरी होती है। वही बाबा धूपेश्वर नाथ मंदिर में शाम को दीपदान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एडीजी अविनाश चंद्र ने मंदिर पहुंचकर महाआरती में हिस्सा लिया। सर्वकैश्विपोहति सर्वदिव्यपोहति ओम।
गे मध्य का मंडल जागृत झूल धरता सोने जागृत झूल धरता सुख करता दुखी हारी जग पालनकारी ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत यही विवेका स्वामी जानत यही विवेका परमांचर में सोवित परमांचर में सोवित यही तीनों एका ओम जय शिव ओंकारा त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई न गावे स्वामी को प्रेत गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हरे स्वामी परमांज जी। आज महाशिवरात्रि का त्योहार है, क्या क्या कहना चाहेंगे, क्या मानता है यहाँ मंदिर के बारे में? इसमें यह है कि भगवान से पार्वती का विवाह हुआ था, इसीलिए भगवान भोलेनाथ के उससे धूमधाम से लोग हमारे भक्त लोग आस्था श्रद्धा विश्वास से भगवान शिव की माता पार्वती की पूजा करते हैं। इसीलिए मनोकामना भगवान भोलेनाथ माता पार्वती पूर्ण करती है, इनकी सब भक्तों की आस्था है भगवान शिव माता पार्वती भोलेनाथ पे। तो ये शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि, इसी की श्रद्धा है विश्वास है लोगों को, इसीलिए भगवान की पूजा कर रहे हैं, शंकर जी को दूध चढ़ा रहे हैं, बेलपत्री चढ़ा रहे हैं, भोले बाबा को बेल चढ़ा रहे हैं, इसीलिए श्रद्धा भाव से आस्था से इसीलिए सब उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। भगवान शंकर जी उनको फल इच्छा देते हैं, जो इच्छा होती है उनकी वो इच्छा उनकी पूर्ण हो जाती है, पुत्र की पुत्र प्राप्ति होती है, धन की धन प्राप्ति होती है, काया संकल्प हो जाती है। हाँ जी, इसीलिए भगवान शंकर जी तो सब रोग से भी छुटकारा कर देते हैं, भोले बाबा हैं ये, इसीलिए महामृत्युंजय हैं, ये मृत्यु के मालिक हैं, भूमंडल के पूरे मालिक हैं भगवान शंकर जी, इसीलिए लोग आस्था से लगे रहते हैं भगवान शिव की। इसीलिए आज महाशिवरात्रि है, इसीलिए रात से 12 बजे से यहाँ मंदिर पे भगवान शिव की महिमा चल रही है, और इंद्रदेव ने भी बारिश करी रखी है, आकाश गंगा से अमृत दे रहा है, भगवान शंकर जी को शिवलिंग में चढ़ रहे हैं, भगवान के कई गुप्त शिवलिंग है मृत्युमंडल में, कई प्रकट हैं, इसीलिए प्रकट को तो पूरी जनता पूछती है, गुप्त को जो है भगवान लोग जल दे देते हैं, तो अमृत देते हैं तो सबको जल मिल जाता है। अरे क्या इच्छा है लेके आप मंदिर पहुँची है? आज महाशिवरात्रि का त्यौहार है जो साल में एक बार आता है, और ये अलगनाथ मंदिर में लोग अपनी अपनी मान्यताएं लेकर आते हैं, जो यहाँ पर आकर दर्शन करते हैं उनकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं, भगवान भोलेनाथ को आशीर्वाद देते हैं, और बहुत बहुत दूर से भक्त यहाँ आते हैं। बहुत अच्छा मंदिर है, पुरातन मंदिर है, यहाँ पर साधु संत भी रहते हैं, बहुत सब लोग दर्शन करते हैं, बहुत सुंदर है।